हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है बेबी डॉट नेट में, वो क्लास है फंक्शंस एंड प्रोसीजर। आज अपन देखेंगे कि बेबी डॉट नेट में फंक्शंस कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं। तो फंक्शंस आपको मालूम है क्या होते हैं, कि आपके स्पेसिफिक टास्क के लिए जो हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं, जो कोड डिज़ाइन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बड़े प्रोग्राम को, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शन। इन कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट अगर किसी के अंदर अपन रखते हैं तो वो अपने क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे सम का फंक्शन बना लिया, एडिशन का बना लिया, सब्ट्रैक्शन का बना लिया, सारे ऑपरेशन को मैंने अलग अलग डिवाइड कर, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेशन के लिए जब हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, तो वो पीसेस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वो फंक्शन, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शंस। अब देखिए फंक्शंस हमारे, जैसे आप लोग अभी मैन फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, मैन आपका सी प्लस प्लस में, जावा में, इनमें आप कौन सा फंक्शन बना, मैन फंक्शन आपका डॉट नेट में भी होता है, अभी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन से आपको मैं बताऊँ। तो फंक्शंस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं फंक्शंस बनाने के लिए, जो मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर यानी कि प्राइवेट पब्लिक, उसके बाद जो कीवर्ड लगता है फंक्शन बनाने के लिए, वो हम क्या लगाते हैं, फंक्शन, फंक्शन नेम और फंक्शंस के पैरामीटर एज रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इसके हम लास्ट में देते हैं, और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यानी जो स्टेटमेंट और रिटर्न वैल्यू। ये ध्यान रखना, फंक्शंस अगर आप कोई फंक्शंस बना रहे हैं तो फंक्शंस कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन आपका क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी आपको वैल्यू रिटर्न करानी ही करानी, यानी फंक्शन हमेशा आपका रिटर्न कीवर्ड को फॉलो करेगा। तो फंक्शन बनाने का सिंटैक्स क्या हो गया, एक बार मॉडिफाई, मॉडिफायर में आपके क्या आ जाएंगे, एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, फंक्शंस, फंक्शन नेम जो भी आपको रखना है, यूजर डिफाइंड, पैरामीटर्स यानी जो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना, और एस रिटर्न टाइप, उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी आपको रखना है रिटर्न टाइप, और उसके बाद फंक्शंस को क्लोज करने के लिए क्या लगाते हैं हम, एंड फंक्शन, क्या लगाते हैं, एंड फंक्शन। अब देखिए फंक्शंस को हम बनाते कैसे, फंक्शन को यूज कैसे करते हैं डॉट नेट में, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से आज न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, क्लिक किया अपने न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद अपन एप्लीकेशन का नाम देंगे, प्रोग्राम का नाम देंगे, यहाँ से प्रोग्राम का नाम हमने दे दिया प्रोग्राम फंक्शन, प्रोग्राम का नाम क्या दे दिया, प्रोग्राम फंक्शन, और उसके बाद हमने ओके बटन पे यहाँ से क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, ओके बटन हमने यहाँ से क्लिक कर दिया। अब एप्लीकेशन जो हमारी बनेगी, जो प्रोग्राम बनेगा, वो हमारा किस नाम से बनेगा, देखिए हमेशा इसके अंदर जो फॉर्म बनते हैं, जो हमने वो नाम दिया है, जैसे प्रोग्राम फंक्शन, वो किसका नाम है, सॉल्यूशन का नाम है, ये देखो सॉल्यूशन फाइल का नाम है, क्लियर, और इस सॉल्यूशन फाइल को ही हम क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये हमारा किसका नाम, सॉल्यूशन। अब इस प्रोग्राम से हमें इसमें बनाना है फंक्शंस बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, दो वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन को फंक्शन बनाना, क्लियर। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक बटन रखा, क्लियर, उसके बाद एक लेबल, दो लेबल रखे, क्लियर, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और रखा लेबल, उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रखे, क्या रखे हमने, टेक्स्ट बॉक्स वन, टेक्स्ट बॉक्स टू, और टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ से थ्री, ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिए। फॉर्म का कलर वगैरह चेंज करना है, सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, तो फॉन्ट बोल्ड साइज हमने दे दिया 10, कितना दे दिया 10, उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया। अब इसकी हम कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, देखिए सबसे पहले हम कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल के बाद उसकी कहाँ जाते हैं, प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी में जाने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में, उसके बाद हमने यहाँ पे किया, जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं फर्स्ट वैल्यू, तो हमने यहाँ पे दे दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, दूसरा हमने कर लिया प्रॉपर्टी, एंटर द सेकेंड वैल्यू, क्या करते हैं, एंटर द सेकेंड वैल्यू, ठीक, उसके बाद हमने यहां पे किया राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमने यहां पे कर दिया रिजल्ट, क्या कर दिया, रिजल्ट। उसके बाद अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, प्रॉपर्टी में गए, इनकी टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट की नेम चेंज करने होते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी, नेम, तो हमने यहाँ पे दे दिया टी एक्स टी नंबन, क्या नाम दिया, टी एक्स टी नंबन, दूसरा हमने दे दिया टी एक्स टी नम टू, उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे राइट क्लिक प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ पे दे दिया टीएक्सटी आर एस, क्या नाम दे दिया टीएक्सटी आर एस। अब यहाँ बटन का नाम चेंज करना है, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे दे दिया बी टी एन, ओके क्या दे दिया हमने ओके, या हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ टेक्स्ट दे दिया हमने इसका मैक्स, यानी हमें क्या निकालना है मैक्स, क्या निकालना है मैक्स। अब हमको क्या करना है, अपना फंक्शन डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है फंक्शन। तो इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे, अब इस फंक्शन को डिजाइन कहाँ करेंगे, ये एंड सब है, यहाँ पे कर्जर, ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ये एंड सब है, यहाँ पे हम कर्जर रख के एंटर कर देंगे, क्या कर दें एंटर। अब जो भी फंक्शन होगा हम यहाँ बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पे। तो हमने जैसे फंक्शन बनाने के लिए आपको बताया कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, अगर आपको सब जगह यूज करना तो आप क्या लगाएं पब्लिक, कौन सा कीवर्ड फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम आपने दे दिया मैक्स, और यहाँ पे दिया आपने वैल्यू, फंक्शन का नाम क्या दिया मैक्स वैल्यू। उसके बाद इसमें आप वैल्यू पास करोगे, तो इसमें डिम कीवर्ड नहीं लगाने की जरूरत पड़े, सीधे दी ए एज इंटीगर, दूसरा दे दिया डिम वी एज इंटीगर, क्या दे बी एज इंटीगर। उसके बाद पैरेंथिसिस के बाद हम क्या देते हैं सिंटेक्स देते हैं, अगर सिंटेक्स देखेंगे कभी गलती नहीं होगी। देखिए क्या एस रिटर्न टाइप, यानी कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीगर, तो एस हमने यहाँ पे क्या दे दिया इंटीगर। देखिए आ गया एंड फंक्शन ऑटोमेटिक आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, दो वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू अपन निकालने का प्रोग्राम बनाना, किसका बनाना मैक्स वैल्यू कौन सी, क्लियर। तो अपन ने एक वेरिएबल बना ली इसके अंदर एम एस इंटीगर, एम एस इंटीगर। तो अपन ने यहां से क्या किया इफ चेक करा लिया, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन बी अगर है तो अपना बड़ा क्या एम इक्वल टू अपने पास क्या एल, एस नहीं तो बड़ा क्या हमारे पास बी, तो एम इक्वल टू क्या आ जाए बी, क्लियर। और लास्ट में हमने किसको रिटर्न करवा लिया यहाँ पे, अभी देखिए एरर दे रहा है, इसका मतलब ये एरर दे रहा है, देखो बोला मैक्स वैल्यू डज नॉट रिटर्न रिटर्न ए वैल्यू ऑन ए कोड पाथ। तो हमने क्या बताया कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा हमको रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न एम, क्या कर दिया हम रिटर्न एम। अब देखिए एरर चली गई, अब इस फंक्शंस को हम कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सीधे कॉल कर सकते हैं किसमें टेक्स्ट बॉक्स डॉट, इसमें वैल्यू रिटर्न करेगा इक्वल टू, किस नाम से बनाया हमने ये ध्यान, पहले फंक्शन लिखेंगे बाद में फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया मैक्स नाम क्या दिया हमने मैक्स, ये देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा मैक्स वैल्यू, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया आपका। अब आपने यहाँ पे क्या कर दीजिए मैक्स, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कर दी, कौन कौन सी टी एक्स टी नम डॉट टेक्स्ट कॉमा टी एक्स टी नम टू डॉट टेक्स्ट, ये हमने देखे दोनों यहाँ से पास कर दिए, क्लियर। ये देखिए फंक्शन बना रहे, फंक्शन कौन सा एक्स स्पेसिफायर लगाया, फंक्शन कीवर्ड लगाया, फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद फंक्शन के पैरामीटर पास किए एज उसका रिटर्न टाइप, और जो भी कोड देना वो कोड देके हमने उस वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, देखिए हमने डाला यहाँ पे 12, कौन सा बड़ा है यहाँ पे डाल दिया हमने, अब कौन ये देखिए, ये इस टाइप से हम इसमें क्या लिखते हैं फंक्शंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं फंक्शन, कितने भी फंक्शंस बना सकते। अब जैसे मान लो अपन को फैक्टोरियल कैलकुलेट करने फंक्शन आना, तो यहीं पर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं पब्लिक फैक्टो, एक आर्गुमेंट चाहिए तो ए एज इंटीगर, ए एज एस इंटीगर, एस इंटीगर क्या दिया एस इंटीगर, ठीक। यहाँ पर कीवर्ड कौन सा लगाएंगे, नहीं लगाया एरर दे रहा, देखो आ रहा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर कौन सा कीवर्ड आएगा फंक्शन। अब यहाँ पर जैसे ही रख के एंटर करोगे ऑटोमेटिक एंड सब आ गया, डिम एक लूप ले गो एफ के लिए, एक ले लोगे आई एस,
इंटीगर, ठीक है। फॉर कहाँ से चलाना है, आई इक्वल टू ए से टू कहाँ तक, वन तक। स्टेप क्या लगाते हैं, माइनस वन, स्टेप माइनस वन, स्टेप माइनस वन। अब क्या कर देंगे, एफ के ऊपर वैल्यू कितनी कर देंगे, एफ इक्वल टू वन, एफ इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ इक्वल टू एफ इन टू आई, एफ इक्वल टू एफ इन टू आई आ गया। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिटर्न रिटर्न एफ, रिटर्न क्या कर देंगे एफ। अब देखिए एक बटन और रख लेते हैं, कहे के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक, इसका नाम दे दिया तुमने जैसे फैक्टो या फैक्ट, क्या नाम दे दिया फैक्ट, यहाँ पे आपने दे दिया VFTN फैक्ट, VFTN फैक्ट। अब इसकी कैलकुलेट, इसको कॉल कर लीजिए। तो आपने इसे दे दिया, इसको कॉल कराने के लिए txt rs dot text इक्वल टू फंक्शन किस नाम से बनाया आपने, फैक्ट आ गया। इसके अंदर क्या पास करते हैं, txt नंबर डॉट टेक्स्ट। अब देखिए जो भी डालोगे वो, तो देखिए कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे फाइव फैक्ट आ गया, सेवन फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आपको यहाँ से दे दिया। तो इस टाइप से आप कोई भी फंक्शंस बना सकते हो, कोई भी फंक्शन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर। अब देखिए यहीं पर अगर हमें प्रोसीजर बनाना हो, क्या बनाना हो, प्रोसीजर बनाना हो, देखिए आप सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या होता है, सी में और जावा में क्या होता है, हमें अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी तो हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा देते हैं, वाइड कीवर्ड लगा देते हैं, रिटर्न टाइप नहीं कराना। पर डॉट नेट में प्रोसीजर्स को अगर आपको बनाना है, यानी ऐसे फंक्शंस जिनकी कोई वैल्यू रिटर्न टाइप ना हो, वो आपका क्या कहलाते हैं, प्रोसीजर। तो मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, और प्रोसीजर बनाने के कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, सब, प्रोसीजर नेम, और उसके बाद पैरामीटर्स। देखिए फंक्शन और प्रोसीजर ये भी स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखे जाते हैं, सेम फंक्शंस की तरह होते हैं, पर इनमें अंतर समझ लीजिए। फंक्शंस और प्रोसीजर्स, फंक्शंस कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, यानी कोई रिटर्न कीवर्ड इसमें नहीं लगता है। जैसे आप सी प्लस प्लस जावा इनमें वाइड कीवर्ड लगाते हैं, तो वाइड का काम यहाँ क्या करता है आपका, प्रोसीजर, यानी ऐसे फंक्शंस जिनकी कोई आर्ग्यूमेंट तो पास कर लोगे पर जिनकी कोई वैल्यू रिटर्न ना करते हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोसीजर्स कहलाते हैं। पूरे फंक्शंस की तरह ही बनेंगे, पर इनमें अंतर क्या होगा, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करें, और इनको डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड लगता है वो कौन सा कीवर्ड लगता है, सब कीवर्ड, मॉडिफायर, सब, प्रोसीजर नेम, सब मतलब प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं, एंड सब, और इसको क्लोज करने के लिए क्या यूज करते हैं, एंड सब। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये जो 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 क्लिक बटन का क्लिक इवेंट है, ये क्या है, प्रोसीजर है। देखो यहाँ पे क्या लगा है, सब कीवर्ड लगा है, btn अंडरस्कोर क्या करना है, क्लिक, सेंडर एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा टाइप होता है कि किसी भी टाइप की वैल्यू को ये होल्ड कर सकता है, ये वैल्यू के लिए, और ES इवेंट, इन इवेंट आर्क्स, इवेंट से जो आप काम करते हैं जैसे की प्रेस किए तो इवेंट को ये इरेज करता है, क्लियर। ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब जैसे हम मान लो प्रोसीजर लिखना है अपन को कि दो नंबरों में से मैक्सिमम नंबर के लिए प्रोसीजर लिखना है, क्या लिखना है, मैक्सिमम नंबर के लिए प्रोसीजर लिखना है, सपोज दैट। अब अपन यहाँ पे इसको कमेंट में डाल देते हैं, अब अपन प्रोसीजर बनाते हैं। तो अपन क्या किया, पब्लिक, कितने भी बना सकते हैं, पब्लिक सब, प्रोसीजर बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज कर, और यहाँ पर हमने दिया मैक्स वेल, मेथड का नाम क्या है, मैक्स वेल। यहाँ पे भी हमने पास की एएस इंटीगर कॉमा वीएस इंटीगर, क्लियर। अब हमने क्या बताया, यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं लगेगा, देखिए अगर यहाँ पे आप रिटर्न टाइप इसमें नहीं दे सकते, क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कोड दे देते हैं सीधे सीधे दोनों वैल्यू, इफ ए ग्रेटर देन बी देन, अगर ये कंडीशन ट्रू तो क्या हो जाए, एम एस जी बॉक्स, क्या दे सकते हैं, एम एस जी बॉक्स, मैक्स वैल्यू, वैल्यू इज ए,
अगर एक भी प्रिंट कराना तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, एम परसेंट लगा के इसको प्रिंट कर, एल्स नहीं तुम्हारी मैक्स वैल्यू क्या होगी, एम एस जी बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में चाहे टेक्स्ट बॉक्स में एम एस जी बॉक्स, यहाँ पर दिया डबल कोट में मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू इज बी, मैक्स वैल्यू इज बी, एम परसेंट लगा दिया अपन, यहाँ पे किसको प्रिंट करा दिया, क्लियर। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, कहाँ यहीं पे सीधे सीधे, कोई रिटर्न टाइप है नहीं, सीधे सीधे कॉल करना इसको, क्या मैक्स मैक्स वेल आ गया जिस नाम से ना, दोनों टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हमने पास कर दिया आर्गुमेंट डॉट टेक्स्ट, दूसरा टीएक्सटी नम डॉट टेक्स्ट, क्लियर। अब इसको कॉल कर लीजिए आप, अभी यहाँ पर हमने डाला, ये देखिए मैसेज आ गया मैक्स वैल्यू, आपने डाला मैक्स वैल्यू। तो इस टाइप से हम प्रोसीजर्स को लिखते हैं, किसको लिखते हैं प्रोसीजर, तो फंक्शन और प्रोसीजर हम इस टाइप से इसमें डिजाइन करते हैं, क्लियर। तो ये हमने आपको आज दोनों चीजें बता दी, कल हम आपको बताएंगे इसमें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, प्रोसीजर्स के थ्रू आर्गुमेंट्स कैसे इसमें निकालते हैं। एक प्रोग्राम और देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को समस्या आ रही है प्रोग्राम में कि सर एक प्रोग्राम बनाना है हमको, बॉबिल काउंट करने का प्रोग्राम बनाना है, किसका बनाना है अपन को, बॉबिल काउंट करने का प्रोग्राम बनाना है, कि बॉबिल कैसे काउंट करते हैं, तो बॉबिल काउंट करने का एक प्रोग्राम देख लीजिए आप लोग, सिंपल सा एक बॉबिल काउंट करने का प्रोग्राम, एक फॉर्म ले लेते हैं, एट विंडोज फॉर्म प्रोजेक्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म, ठीक, टूल बॉक्स और यहाँ पे ले लेंगे अपन एक टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट करें इसको मल्टीलाइन बना देते हैं कि उसमें अपन को क्या काउंट करना है, बॉबल काउंट करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में जाके इसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसका अपन ने कर दिए काउंट, मेथड का नाम कर दिए काउंट, यहाँ पर भी दे दिया अपन ने btn, क्या दे दिया btn, इसका भी नाम चेंज कर दिया अपन ने txt str, क्या दे दिया txt str string के लिए, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्या करते हैं क्लिक कर, तो सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, एक dim देते हैं, dim i as integer, फिर एक लेते हैं अपन dim n vowel as n vowel is n vowels as integer, क्या दिया integer, फिर ये लेते हैं dim, एक ले लेते हैं अपन vowels, vowels ठीक, एक n bobbles h string, किस टाइप का string टाइप, ठीक है। अब अपन वैल्यू इनपुट कराएंगे, क्या करवाएंगे, वैल्यू इनपुट स्ट्रिंग कराएंगे, तो अपन एक लेते हैं dim input str as, क्या दे दिया अपन ने string, क्या दे दिया string, उसके बाद अपन ने क्या किया, इनपुट स्ट्रिंग में वैल्यू इनपुट करा दिया अपन, इनपुट इक्वल टू टी एक्स टी एस टी आर डॉट टेक्स्ट, वैल्यू आ गई अपने पास। उसके बाद अपन ने क्या किया, अब अपन लूप चलाएंगे, क्या चलाएंगे लूप, क्या चलाएंगे लूप, फॉर आई इक्वल टू, कहाँ चलाएंगे अपन वन से टू, कहाँ तक चलाएंगे, तो हमने बताया
किसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रिंग, कहते हैं इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट एसटीएम। ठीक, ये लेंथ भी बता देगा कहाँ से कहाँ तक हमारा लूप चलेगा। उसके बाद अपन यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ क्या लगाएं, इफ इन एसटीआर, एक मेथड होता है अपने पास इन एसटीआर, इंट सॉरी इन एसटीआर, ये देखिए आ गया इन एसटीआर। ये क्या करता है, जो हम पास करते हैं उसकी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई, करंट करंट स्ट्रिंग्स उसको रिटर्न करता है। तो ये लगाया मेथड, इसके अंदर अपन क्या पास करेंगे, वॉवल्स पास करेंगे, क्या पास करेंगे, वॉवल्स, वॉवल्स कॉमा। अब निकालेगा कहाँ से, एक एक करेक्टर निकालने के लिए तो हमने कौन सा फंक्शन बताया था आपको, मिड, क्या होता है मिड। अब मिड में हम क्या पास करेंगे, इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट एसटीआर कॉमा आई, क्या पास करें आई कॉमा, कितना निकाले एक बार में करेक्टर, वन। देन अगर ये कंडीशन क्या हो, ट्रू। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो वॉवल्स है ये स्ट्रिंग बनाया, इस वॉवल्स में हम सारे वॉवल्स को स्टोर कर देंगे, वॉवल्स, क्योंकि इससे चेक करा रहे हैं अपन। तो हमारे पास कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवल्स हो गए, ये हमारे इसके वॉवल्स। अगर ये वॉवल्स यानी इससे एक एक करेक्टर निकालेगा और ये वॉवल्स से एक निकालेगा, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हमारा क्या हो जाए, एन वॉवल्स इक्वल टू एक का इंक्रीमेंट, कितने का इंक्रीमेंट हो जाए, वन का इंक्रीमेंट हो जाए। और लास्ट में हमने क्या किया, एमएसजी बॉक्स नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ वॉवल्स इच, और यहां पर हम किसको प्रिंट करा लेंगे, एम परसेंट कौन सा है, एन वॉवल्स, उसको हम प्रिंट करा लें, सिंपल। अब देखिए रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, इसमें जैसे हमने डाला दुष्यंत अवस्थी, इसे काउंट करके बता दिए नंबर ऑफ वॉवल्स हमारे पास कितने हैं, फाइव। देखो यू एक, ए एन दो, ए तीन, फिर ए चार और आई पाँच, ये देखिए नंबर ऑफ वॉवल्स हमारे काउंट करके बता दें। तो ये जो प्रोग्राम हमारे पास, मेट फंक्शन आपको बता चुका हूँ, ये क्या करता है, एक एक करेक्टर निकालेगा और इसके एक करेक्टर से मैच करेगा कि इसमें पूरी स्ट्रिंग में वो करेक्टर है कि नहीं, अगर कहीं मैच हो जाएगा उसमें एंड वॉवल्स में एक का क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, सिंपल। किसी स्ट्रिंग में अगर आपने नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करना है उसके लिए प्रोग्राम आप बना सकते हैं, क्लियर। तो इतना आज आप लोग कर लीजिएगा, फिर अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमको आप बताइएगा, थैंक यू।